नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसी दिशा में सरकार द्वारा वैक्सीन लगवाने को लेकर भी लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। फिलहाल मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में मुंबई की पहली ड्राइव इन वैक्सीन सुविधा शुरू की गई। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह सुविधा विशेष रूप से विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वयं के वाहनों में वैक्सीन लगवाने की अनुमति दी गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को ड्राइव इन वैक्सीनेशन स्पॉट पर इकरार करते हुए दिखाया गया है। वैक्सीन किए जाने वाले लोगों को कारों के अंदर अपनी बारी का इंतजार करते देखा जा सकता है। वहीं वाहनों की एक स्लिप कार पार्किंग की कतार में देखी जा सकती है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में बीएमसी के प्रयासों की सराहना की और मुंबई का पहला ड्राइव इन दादर में वैक्सीनेशन ब्रावो @ माई बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल सामने से आगे बढ़ते रहे। बताते चले, मुंबई के दादर में मल्टी स्टोरी कोहिनूर सार्वजनिक पार्किंग में यह टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। बीएमडब्ल्यू वार्ड जीएन के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिवाकर ने ट्विटर पर लिखा, ड्राइवर इन वैक्सीनेशन फैसिलिटी शुरू की गई है। संपूर्ण टीकाकरण सुविधा में 7 बूथ हैं, जिनमें से 2 को वर्तमान में ड्राइव इन बूथ के रूप में तैयार किया गया है। यह सिर्फ मुंबई की बात, लेकिन आप ध्यान दें कि सरकार ने सभी राज्यों में वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।